हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ मंसूर फ्रॉम पाकिस्तान. सब तमाम भाइयों को जुम्मा मुबारक हो. और आज जिस सॉन्ग को रिव्यू करने लगा हूँ ना, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये. तू है कहाँ, सब नहीं सुन चुके हैं इसको, मोस्ट वायरल सॉन्ग. लेकिन इसके अंदर ना ये है कि ये मैशअप है और तंजीम आई थिंक, हाँ तंजीम काजी जो है उन्होंने इसको रिमिक्स किया है, मैशअप क्रिएट किया है. इसके अंदर जो है तला अंजुम, डिवाइन और एमसी स्टैंड और बकाया डिफरेंट डिफरेंट ना सिंगर्स हैं, उनके जितने भी हार्ट ब्रोकिंग सॉन्ग्स टाइप के जो है ना वो इसके अंदर ऐड अप है. तो चले फिर वीडियो शुरू करते हैं. अच्छा थोड़ा सा ना इसको ना आई गेस इन्होंने ना 1.25 पे या 1. हाँ 1.25 के ऊपर, एक्स के ऊपर रख के ना इसको फास्ट किया थोड़ा सा, क्योंकि मैशअप इसी टाइप के होते हैं, वो थोड़े ना तेज होते हैं. तो तन्हा था मैं पासली में, वो जो फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, तला अंजुम वगैरह किंग. इसको ना बड़ा एक सॉफ्ट किस्म का जो है, पहले सॉन्ग बहुत अच्छा है लेकिन इसको ना बड़ा सॉफ्ट किस्म का जो है वो दिया है, एक क्या कहते हैं उसको, जान दी है इसके अंदर. पाकिस्तानी टैलेंट. हाय डिवाइन. पहले से उसूल मेरा, हीरे की खोज में निकलाना कोहे नूर मेरा, हर शब्द निकलता मेरे दिल से जैसे खून मेरा. अकेला था मैं और मेरी माइक, म्यूजिक मेरी माशूका से मैं और मेरी वाइफ. अम्मा रैपर्स का तो यही है भाई, मैं और अकेला मेरा माइक, ठीक है म्यूजिक मेरी माशूका, वो वाइब यही वाली चलती है रैपर्स के लिए, तो यही वाली चलती है. लेकिन नो डाउट यार, सीरियसली रियली गुड वर्क, बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत मजा आ रहा है, बुरा नहीं लग रहा. कि वो कहते हैं ना कि ओवर चीज होगी, वो नहीं है. ए शेमड़ी आज के बाद से, वाई बे भाई आज से बाद से, आज के बाद से, आज के अच्छा रिमिक्स के अंदर ये जो बीट डाली है, टिक 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 टिक, बिल्कुल जो हल्का सा जो है ड्रम को ना वो वाइब दे रहा है. थोड़ा सा वही वाली बात है, थोड़ा फास्ट है, मैशअप इसी तरह के होते हैं, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग सारे जितने भी उनके जो है ना सैड सॉन्ग्स टाइप के हैं, वो सारी चीज ना उसने एक जगह पे मिक्स करके म्यूजिक इसका लेके, लीड इसको लेके, बकाया पीछे उनको जो है ना अंदर जो है मिक्स कर. बट नो डाउट आई गेस ये भी मर चुका है, शिशान इस तरह समथिंग कुछ नाम था, ये भी मर गया था ये भी. मुझे क्या ही करूं अब आप जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है. किसी भी बात को मैं अपनों के लिए खड़ा मिलूं, रात को मैं जागता हूं ताकि घर वाले मेरे चैन से सोके उठे और कभी ना फैलाना पड़े हाथ को बस साथ, बाकी मैं देख लूंगा सपनों की चादर. ये वाले जो जुमले थे ना, ये हर हर जो मतलब के घर का लड़का काम कर रहा है ना, ये उससे रिलेट करते हैं कि रात को मैं जागता हूँ ताकि घर वाले मेरे सो सके. नो डाउट भाई नो डाउट, ये मैं कहता तो हूँ ये वाले जो जुमले आए थे ना, ये बड़े अखीर दिल पे लगे. ओ
यूनस ऐसे टाइप कुछ नाम है सर। मैंने खुद को पत्थर का बना लिया, कंधे भारी इतने रखेगा कोई हाथ क्यों, हम डूबे तेरे पीछे केयर करते कोई यूं हाथ क्यों, इस कला पे है फखर मगर दुनिया से नाराज हूं, ना समझे मेरी बात तो क्यों लफ्जों का मोहताज हूं। अच्छा ये जो है ना ये प्योर टैलेंट है हमारे इसका कराची का, वो उसका गाना नहीं था कराची चल आज देख किसका जोर है कराची पर। ये दोनों जो है ना तला अंजुम और यूनस समथिंग आई गेस, मुझे दूसरे का पूरा नाम नहीं आता, मैं सुनता नहीं हूँ यार, डोंट माइंड प्लीज डोंट माइंड कि पाकिस्तान में रह के मैं इनको नहीं सुनता, मैं बस कुछ ही सॉन्ग्स है जिस तरह एजेंसी हो गया और इस तरह की जो चीज़ें वो सुन लेता हूँ, बट ये पाकिस्तान का प्योर टैलेंट और बहुत अच्छा टैलेंट है। नो डाउट बहुत अखीर एफर्ट भाई, हक से बिल्कुल बहुत अखीर एफर्ट। लाइक ना मैशअप ना ज्यादा मोस्टली जो है ओवर हो जाते हैं, ना ये सॉन्ग ज्यादा ओवर हुआ है और ना ही जो है ना मतलब कि इसने इतना वो तंग किया। डिफरेंट सिंगर्स और एक मिनट लेट मी चेक कितने सिंगर्स थे इसके अंदर, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाय। अच्छा जी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तला यूनस था, अच्छा जी, और तला अंजुम था, डिवाइन था, एंट्री स्टैंड था, किंग था, तो ये जो है ना मतलब कि जो है नो डाउट बहुत अच्छा जो है वो किया है, इसको जो है बहुत अच्छा मिक्स किया है, इसमें कोई वो नहीं है, एक मज़ा आ गया। बकाया जो है कल आई गेस एपिसोड अपलोड होनी है उसकी हसल की, तो वो कल हम लोगों ने इंशाल्लाह जो है उसके ऊपर भी रिव्यू करना है। प्रोमोज आए हैं लेकिन मैं प्रोमोज के ऊपर ना रिएक्ट करने को दिल नहीं कर रहा, फिर वो सस्पेंस टूट जाता है ना, अगर मैं प्रोमोज इसलिए नहीं देख रहा कि कल पता लगे ना यार जिस टाइम जो है सॉन्ग्स जो है वो आना शुरू होंगे आउट होना शुरू होंगे तो तब मज़ा करेगा, प्रोमोज देख के क्या करना है, एम ही अपने आप को बेचैनी में डाल के रखे बंदा। लेकिन भाई नो डाउट बहुत अच्छा रिमिक्स, लाइक मैशअप बहुत अच्छा, और वाकई जो है मैं भी इनका चैनल और विजिट करके देखता हूँ अंदर और क्या क्या जो है वो है, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा है इसको जो है मैशअप को बहुत अच्छा किया गया, जिसने भी किया है ना उसको जो है सेंस थी कि किस तरह जो है म्यूजिक को मैंने जो है एडअप करना है, एंड रियली मज़ा आ गया। ठंडा ठंडा था, सकून सकून, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा था ये। खैर मैं और क्या बात करूँ क्योंकि जो है बीच में जो है एमसी स्टैंड, फिर तला अंजुम के वो जो अपना जो है, फिर लास्ट के अंदर तला यूनस का किंग रॉको का जो है अपना गाना, वो मुझे वैसे ही बहुत फेवरेट, किंग रॉको के गाने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लाइक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने जो है इसी के जो है पहले तो हसल में इस बंदे को देखा था, फिर इसका जो सबसे अच्छा गाना लगा था ना मुझे ड्रैकोला अच्छा लगा था, बहुत मज़े का सॉन्ग था वो, फिर कोको कोला वाला टाइप का जो कोई सॉन्ग था वो वाला भी इसका मज़े का था, लेकिन लव सॉन्ग्स जितने भी इसने गाए हैं ना अच्छे गाए हैं किंग रॉको ने, हक से भाई। एमसी स्टैंड तो वही शेमड़ी 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 उसका ना थोड़ा सा अलग स्टाइल है एमसी स्टैंड का, इसलिए उसके भी सॉन्ग्स अच्छे हैं। तला यूनस तला अंजुम पाकिस्तान का प्योर टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट। डिवाइन को तो भाई आप नहीं कर सकते, गली बॉय डिवाइन का जो है अलग स्वैग है, वो अलग बात है कि बेचारा गलती से बीफ में घुस रहा था, वो गलत ही किया था तो दूसरी तरफ से दोनों तरफ से जो है सेटल डाउन हो गया, तो फिर उसको जो इतना इन्होंने लीड नहीं किया उस चीज़ को, और अच्छा था वो, मैं सीरियसली कहता हूँ अच्छा था कि उसको इन्होंने ज़्यादा जो है हवा नहीं दी इसने एमवे और जो है डिवाइन। ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज जुम्मा है, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और आज का दिन जो होता है ना लाइक बीइंग अ मुस्लिम जो है तमाम दिनों का सरदार होता है, तो ये बड़ा जो है ब्लेसिंग और होली यही समझ ले डे होता है जो है, फ्राइडे जो होता है मज़े का दिन होता है, बस अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट करने का, फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है यार। और कल हाँ कल का जो है एक वो था वीडियो थी बायोडेटा के अंदर, उसके अंदर जी एक कमेंट आया हुआ था मुझे कि मैंने उसमें कहा था कि जो है ना अफसाना खान लाइक उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो ना रगड़ जाती है, कोई सिंगर उसके साथ होता है ना तो वो दब जाता है उसके साथ, तो उसने कहा कि पैराडॉक्स लाइव अगर करें तो फिर आपको देखें, तो मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि पैराडॉक्स बुरा है, पैराडॉक्स ठीक है, वो भी एक अच्छा रैपर है, लेकिन अफसाना का जो है वो इसलिए मैंने कहा था कि वो लाइव सिंगिंग करने वाली है, वो जिस
कल्चर से निकली है और जितनी उसकी स्ट्रगल है ना, तो वो अगर आप जो है उसको देख लो, तो वो एक लाइव जो है कॉन्सर्ट्स होते हैं पंजाब के अंदर, जिसमें सर सलीम होते हैं, खान साहब होते हैं, ये सारे के सारे जो है ना बैठ के जो है सिंगिंग करते हैं। वो इतना मेला लगा होता है, पीछे लोग ही लोग, टेंट नहीं होते, मार्की कह लो यार, मार्कीज जो होती है उसमें बैठे होते हैं। तो ये वहां से उस तरह का टैलेंट है, ये तो लाइव सिंगिंग कर सकती है यार। वो रैपर है, उसकी एक अलग फील्ड है। लेकिन मेन फिगर पे अफसाना खान ही रही थी कल, और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे कायम हूँ। वो कल भाई को आई गेस बुरा लग गया था, लेकिन जो भाईजान सच है वो सच है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह।